स्वागत है मेरे वीडियो में। और अभी हमारा है एक हफ्ते बाद अंडों को चेक करने के, अंडे सही से फर्टिलाइज हो रहे कि नहीं। तो आज हम चेक करेंगे कि सही से अंडा काम कर रहे है, मतलब इनक्यूबेटर काम कर रहे कि नहीं अपना। तो ये रहा हमारा इनक्यूबेटर और अभी इसको हटाते हैं। ये रहा कनेक्शन इसमें। अभी जैसे मैं खोलूंगा अंदर का टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी। डेट लिखा हुआ है, ये जैसा टेम्परेचर डाउन हुआ है ये हो गया। अब हम आए हैं इसको अंडे को रोटेट करने, इस साइड रख लेंगे। सेट रख रहे हैं, सब पे हमने डेट मार्क रखा है कि कितने अंडे कितने दिन के हो गए। ये 16 तारीख का अंडा है, 16/2023। हम टेम्परेचर वाले को इधर ला के रख दे रहे हैं कि ये इधर का टेम्परेचर बताए। बॉक्स को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर वाला सही है, वो फोन देना अपना। अंडा फर्टिलाइज होना स्टार्ट हो गया है, अब एक हफ्ते हो गए। देख सकते हो अभी अंदर काला काला दिख रहा है, अब बच्चे बनना स्टार्ट हो गए। क्लिक करा दो पर, तो इसको हम इधर रख देते हैं। यहाँ सही है और फिर से हम इसको लॉक कर देते हैं। टेम्परेचर देख सकते हैं, जैसे 38 जाएगा वो लाइट अंदर का ऑफ हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं जैसे 38 हुआ है, लाइट अंदर ऑटोमेटिक ऑफ हो गई है। यहाँ से यहाँ पे होल है जो अंदर की हीट जितनी है निकल जाती है, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है क्योंकि 37.7 से ज्यादा जाता है ऑफ हो जाता है। तो इतना टेम्परेचर उन लोग को हेंस से मिलता है, इस वजह से इतना टेम्परेचर है।